Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, आप जब भलाई के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हो, आप जब अच्छाई के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हो, आप जब दूसरों का भला करना शुरू कर देते हो, तो तब कुदरत भी आपका साथ देने लगती है। कुदरत खुद ब खुद आपके लिए नए रास्ते निकालने लगती है, खुद ब खुद आपका जो रास्ता आसान होता जाता है। तो ऐसा जिंदगी में कभी भी आप अपना के देखिए तो ये बात बिल्कुल सत्य साबित होगी। तो मैं यहां पे ये किस कंटेस्ट में कर रहा हूं खंडेराव के साथ, तो इसके ऊपर बात करते हैं। पहले भाई गुजारे, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन भी दबा देता जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे खंडेराव अहिल्या परेशान है और खंडेराव उसको खुश करने का प्रयास करते हैं। तो वो फूल वहां में बिठा के ऊपर से फूल भी फेंकते हैं, फूल गिरते हैं, अहिल्या धीरे धीरे खुश होती है और खंडेराव अब सही रास्ते पे चलने लगे हैं और सच का साथ देने लगे हैं और साथ में अहिल्या की प्रति पूरी पुरानी बातें भी उनको याद आती है। उनका अंदर से जो है ह्यूमन रेवोल्यूशन होता है, अंदर से वो बदलते हैं। तो कहते हैं कि याद है अहिल्या के, मैंने एक बार पहले भी तुम्हारे ऊपर फूल बरसाए थे, लेकिन बरसाए नहीं तब फेंके थे, तुमको फूल मारे थे, अब मैं बरसा रहा हूँ फूल। तो अहिल्या बहुत खुश होती है। उसके बाद खंडेराव कहते हैं कि ये सोची समझी देखो चाल तो नहीं थी के खंडेराव ने ऐसा कर, लेकिन खंडेराव कहते हैं भागे दौड़े रेस लगाए, ऐसा मस्ती में वो चलते हैं, रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं और आगे जाके उनको क्या देखने को मिलता है कि एक आदमी लटका हुआ है और साथ में उसकी फैमिली पूरी परिवार जो है वो कुएं में छलांग लगाने की तैयारी है, यानी कि आत्महत्या करने की तैयारी में। कौन है ये फैमिली? क्या ये वही फैमिली है जिसको के गुनू जी तक जिसका जो है सीढ़ी पहुंचती है? क्या ये वही फैमिली है जिसको किसी ने, जो व्यक्ति को किसी ने मार के उसकी जमीन जायदाद हड़प ली थी और फिर वो उसके ठप्पा लगा के गुरुजी ने खून सने कागज देख के भी उसके नाम पे कर दी थी? तो ये अब अहिल्या और खंडेराव के हाथ में एक और नया मामला आएगा। तो अहिल्या और खंडेराव उस परिवार को बचा पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बचा पाएंगे। खंडेराव और अहिल्या उस फैमिली को, परिवार को बचाएंगे और फिर परिवार के जो एक कंपैशनेट राजा होता है, जो अहिल्या तो है ही, कि अहिल्या की तो शिक्षा का भी बार बार वो कहती है कि यही मनोरथ है कि मैं पूरे मालवा के लोगों के काम आ सकूं। खंडेराव के भी अभी यही मिशन हो गया है अपने बाबा साहब की तरह, खंडेराव भी उसी रास्ते पर चल पड़े। तो इस तरीके से इस परिवार की दुखों को दूर करेंगे और वो सच्चाई की तह तक पहुंच के उस अपराधी को दंड दिलाएंगे और इससे अहिल्या और खंडेराव दोनों की और ज्यादा जय जयकार होगी, और ज्यादा वाहवाही होगी। तो ये इसका कहने का मतलब है कि आप सही रास्ते में अगर चलना शुरू कर देते हो तो आपको अपने आप ही ऐसी चीजें मिलती है, अपने आप की आपका जो एम है उस तक नेचर जो है कुदरत आपको पहुंचा देती है। तो आगे आने वाले एपिसोड में ये देखेंगे। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।